Good afternoon, everyone. Today we are going to start off with the very important topic of your syllabus, that is permutation and combination. Sir, तो ये permutation combination होता क्या है? अगर मैं आपको एक सिंपल से वर्ड में समझाऊं कि ये permutation combination क्या होता है, तो point number one आप लिख सकते हैं, this is a branch of combinatrics. ये combinatrics के दो अनमोल रत्न हैं. एक है परम्यूटेशन तो दूसरा है कॉम्बिनेशन. जब आप हायर लेवल स्टडीज करोगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल के कोई चैप्टर नहीं होता है. द रियल नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्बिनेट्रिक्स. द रियल नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्बिनेट्रिक्स. सो बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ पार्ट ऑफ द ब्रांच कॉम्बिनेट्रिक्स. क्लियर? तो सर क्या क्या सीखना है हमको इसमें? ये सारी चीज़ आपको सीखने हैं. तो आप मेरे को बताइए कि ये परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है. बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखने से पहले इसका जो बेसिक एलिमेंट है वो आपको सीखना पड़ेगा. पहला बेसिक एलिमेंट है फैक्टोरियल और दूसरा बेसिक एलिमेंट है फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग में दो चीज़ हो सकता है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. मतलब फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन. सर फैक्टोरियल क्या होता है? भाग मिलकर भाग. भाग मिलकर भाग. मिल्खा सिंह कब तक भागता है? जब तक वो नंबर वन तक नहीं पहुंच जाता है. तो आपको भी वही करना है. अगर एग्जाम आपको 5 फैक्टोरियल पूछ रहा है, आपको एग्जाम में 10 फैक्टोरियल पूछ रहा है, आपको कहां तक भागना है? आपको कहां तक भागना है? जब तक आप 1 में नहीं पहुंच जाओगे. मतलब 5, 4, 3, 2, 1 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज व्हाट? एन फैक्टोरियल. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज व्हाट? एन फैक्टोरियल. ठीक है, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल. 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 = 6 factorial. 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 is equals to 10 factorial. The result of multiplying a sequence of descending natural numbers is called factorial. और इसका सिंबल क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क या एंगल का साइन, ये दो इसका सिंबल है. मतलब आप 8 factorial ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 8 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है. क्लियर? लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन n फैक्टोरियल कैन बी डिफाइंड एज n, n माइनस 1, n माइनस 2. कम करते करते कहां तक जाएंगे? 3, 2, 1 तक. सर r फैक्टोरियल को ब्रेक करके दिखाइए. r, r माइनस 1, r माइनस 2, R माइनस 3, डॉट 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 3, 2, 1. क्लियर है? तो हम लोग को फैक्टोरियल में क्या करना है? बैकवर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप. टू मेक द टर्म फैक्टोरियल मीनिंगफुल, टू मेक द टर्म फैक्टोरियल मीनिंगफुल, हम लोग जीरो फैक्टर को क्या मानते हैं? 1. हम लोग जीरो फैक्टर को क्या मानते हैं? 1. टू मेक द टर्म फैक्टोरियल मीनिंगफुल, हम लोग जीरो फैक्टर को क्या मानते हैं? 1. एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन माइनस 1 फैक्टोरियल. सर ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा समझा दीजिए. देखो एन फैक्टोरियल में से जब आप एन बाहर लेते हो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है. कैसे सर? 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 × 4 × 3 × 2 × 1. इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं 5 × (ब्रैकेट ओपन) 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकता हूं. इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल वाला टर्म कॉमन लेंगे तो अंदर में एक कम फैक्टोरियल बचेगा.
जब भी आप फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल वाला टर्म कॉमन लेंगे तो अंदर में एक कम फैक्टोरियल बचेगा सर, 2n होल फैक्टोरियल। तो 2n बाहर ले रहे हो तो क्या बचेगा, 2n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में से अगर आप फैक्टोरियल वाला टर्म कॉमन ले रहे हो तो एक कम फैक्टोरियल बचेगा। तो 10 फैक्टोरियल में से 10 बाहर ले लिए तो क्या बचना चाहिए था, 9 फैक्टोरियल। तो 9 भी बाहर ले लिए तो क्या बचेगा, 8 फैक्टोरियल। 8 भी बाहर ले लिए तो क्या बच जाएगा, 7 फैक्टोरियल। क्लियर? तो फैक्टोरियल का जो साइन है, एक्सप्रेशन जो है, वो खेलने का चीज नहीं है। कहीं भी मन किया पुट कर दिया, उसको बहुत ही समझदारी के साथ आपको प्लेस करना है कि कहां पर फैक्टोरियल अप्लाई होता है और कहां पर फैक्टोरियल अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आप लोग जो भी रनिंग नोट्स है वो लिखते रहिएगा, बोलना नहीं पड़े आपको, आप इतने दिन से क्लास कर रहे हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर ए समझा दिया, बी समझा दिया, सी मैंने पहले ही समझा दिया था। अब डी नंबर मेरे को क्यों समझाना है, इसीलिए समझाना है क्योंकि 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल को कुछ लोग न जाने 1.5 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल में नॉर्मल एल्जेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? तो इस टाइप का गलती आप करके नहीं आए। तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, आई हैव इलस्ट्रेटेड इट। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है ना, उसको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, इसका मतलब 9 फैक्टोरियल इज कंटेनिंग 6 फैक्टोरियल। तो लोग 9 फैक्टोरियल को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड, क्या बचेगा, 9 × 8 × 7। क्लियर है ये चीज? मैंने कहा था फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल अलाउड नहीं है, बट फैक्टोरियल के पहले अगर ब्रैकेट में कुछ चीज माइनस में है तो वो चीज अलाउड है। तो 6 − 5 का होल फैक्टोरियल विल नॉट बी इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल − 5 फैक्टोरियल, इट विल बी इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1। नॉर्मल ऑपरेशन नॉट टू बी अप्लाइड विथ फैक्टोरियल साइन, जैसे कि 2 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल क्या नहीं होता, 6 फैक्टोरियल नहीं होता। 4 फैक्टोरियल − 2 फैक्टोरियल क्या नहीं होता, 2 फैक्टोरियल नहीं होता। तो वही मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इट शुड नॉट बी अप्लाइड विद द फैक्टोरियल साइन। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसका कि 1 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल अगर आप करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल 2, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2। सिवाय इसके एक और हो सकता है, बताओ क्या होगा इसका। 0 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल, कोई गधा बच्चा होगा तो 1 फैक्टोरियल लिख कर आ जाएगा, गलत। 0 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। क्यों, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 + 1 हो गया 2, 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल टू मेक द टर्म फैक्टोरियल मीनिंगफुल, हम लोग 0 फैक्टोरियल को 1 लेते हैं, ठीक है? क्लियर है, फैक्टोरियल वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर अब मैं आपको बोलूं 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल, निकाल के दिखाइए। 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए। 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल, 18 18 कैंसिल हो गया, 20 × 19 कितना होता है, 380। 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू वॉट, 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल। अब 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 20 × 19 क्या होता है, 380। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो मैंने आपको पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो मैं आपको सिखाने में सक्षम रहा हूँ कि फैक्टोरियल वर्ड का मतलब क्या होता है और फैक्टोरियल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरफ। ठीक है, देखिए आप
एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी एंड वर्ड यूज होता है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और वर्ड यूज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एड. इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम अ प्लेस टू अ सर्टेन प्लेस एंड रिटर्न, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और बोलेगा तो ऐड करना है. ठीक है, तो देखिए, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज, एम वेज. इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम डिफरेंट वेज एंड फॉलोइंग, मतलब क्या, आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली विच अ सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन डिफरेंट वेज, देन द टू ऑपरेशन इन सक्सेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम इन टू एन डिफरेंट वेज. अगर मैं एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ एम डिफरेंट वेज में, ठीक उसके बाद, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, ठीक उसके बाद अगर सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन डिफरेंट वेज, तो दोनों को एक के बाद एक मैं कर सकता हूँ एम इन टू एन डिफरेंट वेज में. ठीक है, एक बहुत ही लेम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 घड़ी है और 15 पेयर ऑफ शूज है. हाँ, पहले मैं घड़ी पहनता हूँ, फिर घड़ी के मैचिंग से मैं जूता पहनता हूँ. इन हाउ मेनी वेज आई कैन वियर अ वॉच एंड शूज. तो पहला वाला, जब मैं घड़ी पहनूंगा उसके साथ मैं कोई भी 15 जूता पहन सकता हूँ. सिमिलरली सेकेंड वाले वॉच के साथ भी कोई भी 15 जूता, थर्ड वाले वॉच के साथ में कोई भी 15 जूता, ऐसे करते करते हर वॉच के साथ आई कैन वियर 15 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज. तो हाउ मेनी वॉचेज आई हैव, 10. तो मेरा आंसर क्या हो गया, 10 × 15. अब समझ में आया, एंड मल्टीप्लाई. इफ आई कैन वियर अ वॉच इन माई हैंड इन 10 डिफरेंट वेज एंड आई कैन वियर अ पेयर ऑफ शूज इन 15 डिफरेंट वेज, देन आई कैन वियर अ वॉच एंड पेयर ऑफ शूज इन 10 × 15, 150 डिफरेंट वेज. ठीक है, एंड का मतलब ये होता है. मान लीजिए कोई काकुराची में रहता है, ठीक है, और गिरीश पार्क वो आना चाहता है फॉर क्लासेस. उसकी बस क्या ऑप्शन है, या तो वो उबर में आएगा, या वो रैपिडो में आएगा, या वो बस में आएगा, या वो ऑटो में आएगा, या उसका अपना खुद का बाइक होगा उसमें आएगा, या अपना खुद का गाड़ी होगा उसमें आएगा, या बहुत ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है, ज़िंदगी में बहुत लैक है, तो पैदल भी आ सकता है. उसके कुछ करने को नहीं है तो घर से निकल गया 1 घंटा पहले. ठीक है, वो पैदल भी आ सकता है. तो देर आर डिफरेंट वेज. इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन कम फ्रॉम गिरीश पार्क, फ्रॉम कागोची टू गिरीश पार्क. तो क्या वो अजय देवगन थोड़ी है, एक पाँव रैपिडो में, एक पाँव उबर में, और बीच में ऐसे ऐसे करके वो आएगा. नहीं ना, वो तो कोई भी एक ऑप्शन अवेल करेगा. एक ऑप्शन अवेल करेगा मतलब क्या, आइदर ऑफ द अबव, आइदर ही कैन कम बाय बस और ऑटो और रैपिडो और. तो और में क्या होता है, ऐड हो रहा है. हाँ, अब ऑटो का तो ऑटो एक ही ऑटो आता है, लेकिन बस बहुत सारा आ रहा है. मान लो 6-7 बस है अलग अलग, तो कोई भी एक बस पकड़ के आ सकता है. उसको पब्लिक बस अच्छा नहीं लगता है, वो प्राइवेट बस में आ सकता है. उसको गर्मी लगता है, वो एसी बस में आ सकता है. पैसा ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट बस में आ सकता है. तो डिफरेंट 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 देयर आर पॉलिसीज बाई विच ही कैन कम. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और वर्ड आ रहा है, और. इन हाउ मेनी वेज ही कैन कम बाई अ बस और ऑटो और प्राइवेट, जो भी उसका कन्वेंस है. तो मान लो 2 पब्लिक था, 3 प्राइवेट था, 4 गवर्नमेंट था, तो 2 + 3 + 4 क्या हो गया, देर आर 9 वेज इन विच ही कैन कम टू गिरीश पार्क फ्रॉम काकुरगाछी. तो मैंने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया, वहां आप देख रहे हैं मैं और यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने ऐड किया. और जहां मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था वहां पे मैं एंड यूज कर रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, इंटू किया. तो इस चैप्टर का एसेंस क्या है, एंड यूज होगा तो मल्टीप्लाई करना है, और यूज होगा तो ऐड करना है. सो इफ देर आर 6 ट्रेन्स अवेलेबल टू एंड फ्रॉम कोलकाता टू गोवा, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो एंड रिटर्न. तो जाने के लिए कोई भी 6 में से 1 ट्रेन, आने के लिए कोई भी 6 में से 1 ट्रेन. तो 6 × 6 क्या हुआ, 36. एडिशन रूल के देखिए, इफ देर आर 6 ट्रेन एंड 6 बसेस टू
to and from कोलकाता to गोवा in how many ways a person can go either by bus or train? तो कोई भी छह में से एक ट्रेन में जा सकता है या कोई भी छह में से एक बस में जा सकता है. तो 6 + 6 क्या हो गया? 12. 6 + 6 क्या हो गया? 12. ठीक है, क्लियर. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कितना आएगा? दो पार्ट. पहला क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पहला क्या है? मल्टीप्लीकेशन रूल. और दूसरा क्या है? एडिशन रूल. मल्टीप्लीकेशन रूल मतलब ऐड, मतलब क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई. और एडिशन रूल में और मतलब क्या होता है? एडिशन. ठीक है, क्लियर. चलिए आइए अब एक एक करके हम मतलब समझते हैं परम्यूटेशन का. बेसिकली परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स टेकन फॉर अरेंजमेंट. परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स दैट आर टू बी अरेंज्ड. फर्क पड़ता है सामने तुषार बैठा है कि गौरव बैठा है. बिकॉज अगर सामने तुषार बैठा है तो मेरे को उसका चेहरा देखना पड़ेगा. अगर सामने गौरव बैठा है तो मेरे को उसका चेहरा देखना पड़ेगा. कोई अगर बच्चा बहुत इरिटेट करता हो, अगर वो सामने बैठ जाएगा तो इट विल क्रिएट अ न्यूसेंस इन द क्लास. इसीलिए जिस बच्चा को इरिटेट करना होता है, ठीक है, अभी जो लास्ट में से बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं बोले कि वो इरिटेट करते, बट बता रहे, अगर बच्चा इरिटेटिंग होता है तो जनरली दे आर शिफ्टेड टू बैक बेंचेस. बिकॉज फर्क पड़ता है, जो पढ़ने वाला बच्चा अगर वो सामने बैठेगा तो वो जबरदस्ती का डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इतना पीछे से अगर आवाज़ आएगा तो डैम केयर्स, हमको मतलब ही नहीं है, बोलने वाला तो बोलेगा. ठीक है. अच्छा, आप सुबह उठ के पहले क्या करते हो? पहले ब्रश करते हैं हम लोग, या फ्रेश होते हैं, फिर हम लोग नाश्ता करा तो नाश्ता करते हैं, फिर कोई भी हम लोग काम होता था वो करते हैं. तो देखिए, अगर आपका जो सुबह मॉर्निंग का जो प्रोसेस है आप जो रेगुलरली फॉलो करते हो, उसके अलावा आप कुछ फॉलो करोगे तो आपका दिन में कुछ तो बदलाव आएगा. अभी मैं सुबह उठता हूँ और मान लो पढ़ाने आ गया, ठीक है, और मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठता हूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक जाकर आता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो कौन सा वाला ज़्यादा फ़ायदा रहेगा? सेकेंड ऑप्शन इज मोर बेनिफिटेबल. तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? द वे यू अरेंज योर थिंग्स डैट टोटली डिपेंड्स. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर. खाने के पहले पानी पीना चाहिए, खाने के बाद? खाने के पहले पानी पी लेना चाहिए ताकि खाना कम खाए आदमी, ये रूल होता है. ठीक है, खाने के पहले पानी पी लेना चाहिए ताकि क्या, आदमी थोड़ा कम खाएगा. और खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए कि जो खाया उसे ज़्यादा फैलेगा. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स फॉर अरेंजमेंट. ठीक है. अच्छा, पहले टॉस होता है कि पहले ट्रॉफी मिलता है? पहले टॉस होता है, फिर मैच होता है, जो जीतता है उसको ट्रॉफी मिलता है. तो ये अरेंजमेंट है. अच्छा, पहला ओवर स्पिनर को दे कि फास्ट बॉलर को दे? पहला ओवर स्पिनर को देंगे तो हो सकता है कि छक्का मार देगा, लेकिन पहला ओवर अगर फास्ट बॉलर को देंगे तो हो सकता है कि छक्का नहीं मारेगा. तो दिस आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द थिंग्स मैटर करता है. तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझना परम्यूटेशन है कि नहीं है. द की वर्ड इज अरेंजमेंट. द की वर्ड इज अरेंजमेंट. द की वर्ड इज फॉर्मेशन. और द की वर्ड इज ऑर्डर. हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज में अगर ऑर्डर ऑफ द थिंग्स मैटर करता है मतलब वो परम्यूटेशन है. तो वॉट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स. ठीक है, तो परम्यूटेशन आर डिफरेंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम. मैं सबको भी ले सकता हूँ या उससे थोड़ा कम भी ले सकता हूँ. लेकिन मान लो मेरे पास 10 चीज है, उस 10 चीज को मैं 15 लोगों में कैसे बांटूंगा? मैं नहीं बांट पाऊंगा, मैं नहीं बांट पाऊंगा. अगर पिक्चर का 10 टिकट है तो मैं 10 जन को ही लेके जा सकता हूँ, 15 जन को पिक्चर दिखाने लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर में गोदी में बैठाना अलाउड नहीं है. ये गाड़ी थोड़ी है कि 4 का जगह में 5 जन जाके बैठ जाओगे, गोदी में बैठ गया एक जन, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल फॉर अरेंजमेंट को एन बोला जाता है. नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल फॉर अरेंजमेंट को एन बोला जाता है. नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली अरेंज्ड इज आर. नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली अरेंज्ड इज आर. नाउ इस आर के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? दिस आर हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू एन.
this r has to be less than or equals to n, because number of things to be arranged cannot exceed number of things available for arrangement. अगर मेरे पास 6 लेटर है तो मैं 8 लेटर को कैसे अरेंज कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? मेरे पास तो 6 ही है, तो मेरे को 6 ही लेटर को अरेंज करना होगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल फॉर अरेंजमेंट इज एन, नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली टू बी अरेंज्ड इज आर, और रेस्ट्रिक्शन क्या है? आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन, r should be less than equals to n, और n हमेशा क्या होगा? n हमेशा natural number होगा और r होगा positive whole number. n natural number क्यों? क्योंकि n 0 से start नहीं हो सकता, n को minimum value is 1 और r 0 हो सकता है. इसीलिए n के लिए अगर पूछेगा, देखो MCQ paper है बेटा, ध्यान देना, n is always a positive natural number or in short natural number. n हमेशा नेचुरल नंबर से डिनोट होगा और r कैन बी अ होल नंबर, r कैन बी अ होल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही फर्क है, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? एन पी आर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल. NPR is equals to n factorial by n minus r factorial. NPR is equals to n factorial by n minus r factorial. ठीक है, तो NPN को क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. NPN is equal to this. NPN equals to NPN equals to n factorial by n minus n factorial equals to n factorial by 0 factorial. तो 0 factorial क्या होता है? 1. अब np 0, break करो इसको, n factorial by n minus 0 factorial, तो n factorial by n factorial that is 1. ठीक है ना, तो properties clear कर लो. np 0 1 होता है, np 1 n होता है, np 0 1 होता है, np 1 n होता है, np n n factorial होता है, np 0 equals to 1, np 1 equals to n, np n is n factorial, np n minus 1 is also n factorial. दिमाग लगाओ थोड़ा सा, चार में से तीन जन को अरेंज करा तो बचेगा कितना? एक जन. लॉजिकली सोचो, 4p3 का ब्रेकअप क्या होगा? 4 × 3 × 2, और 4p4 का ब्रेकअप क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1, एनीथिंग इंटू 1 क्या होता है? एनीथिंग. इसीलिए npn इज इक्वल्स टू npn माइनस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. ये सब पूछ देगा ना एग्जाम में, फिर मत बोलना कि आउट ऑफ द सिलेबस था. npn इज इक्वल्स टू npn माइनस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. इसका बोलने का मतलब क्या है? कि 7p7 इज इक्वल्स टू 7p6 इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल.
7p7 इज इक्वल्स टू 7p6 इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, और ये मैंने बता ही दिया था कि एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए एक प्रॉपर्टी है एन पी आर बाई एन पी आर माइनस वन, क्लियर? मतलब बड़ा कौन सा हुआ, ये बड़ा है, ये ठीक उसके बाद कंसेक्यूटिव है, आर के बाद क्या आता है, आर माइनस वन ही तो आता है। इसका आंसर क्या हो पता है, एन माइनस छोटा वाला, एन माइनस छोटा वाला। तो इसको ब्रेक करो, एन माइनस आर प्लस वन, मतलब अगर 10p5 है और बाई 10p4 है तो इसको सॉल्व करके डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 4 6। दिस इज द प्रॉपर्टी एन पी आर बाई एन पी आर माइनस वन, एन पी आर बाई एन पी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर माइनस एन माइनस आर माइनस वन ब्रैकेट में है तो एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। इन शॉर्ट टेक्निक क्या है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, एकदम ऊपर वाला क्या है 10, एकदम नीचे वाला क्या है 4, 10 माइनस 4 क्या हो गया 6। एक और एग्जाम्पल देखो, 11p5 बाई 11p4 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 4 7। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से सारा प्रॉपर्टी एक साथ डिक्टेट करता हूं, आप देखना, ठीक है। सबसे पहले एन पी आर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी जीरो क्या हो जाएगा 1, एन पी वन क्या हो जाएगा n, एन पी एन क्या था n फैक्टोरियल, और एन पी एन माइनस वन क्या था, ये भी n फैक्टोरियल। सर एन पी टू का कोई शॉर्टकट है क्या, या एन पी थ्री का कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ है, जितना फैक्टर रहेगा उतना बार ही मल्टीप्लाई करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम n। अगर एन पी टू है तो n इंटू एन माइनस वन, एन पी थ्री है n, n के बाद n माइनस वन, n माइनस वन के बाद n माइनस टू। इसका मतलब अगर एग्जाम में 10p3 आ गया तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का दरकार नहीं है, 10 × 9 × 8, दैट्स ऑल, 10 × 9 × 8, दैट्स ऑल। क्लियर है ये सब चीज? हाँ, हटाऊं मैं इसको, क्लियर स्क्रीन करूं? अब ये सब जो चीज है ना, ये सब लोग सम्स करते करते समझेंगे, ठीक है। ये जितना भी मैं सब सम्स करते करते समझाऊंगा, ये आप घर में प्रैक्टिस करिएगा कि 10p5 को कैसे सॉल्व करते, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 सॉल्व कर लेना, जितना फैक्टर बोलेगा उतना बार मल्टीप्लाई, क्लियर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे परम्यूटेशन हो चाहे कॉम्बिनेशन हो, इट शुड ऑलवेज बी कंसेक्यूटिव, इट विल ऑलवेज बी कंसेक्यूटिव, ठीक है। चलिए पहला इलस्ट्रेशन, 25 फैक्टोरियल बाई 22 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल बाई 22 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 25 × 24 × 23 × 22 फैक्टोरियल बाई 22 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो 25 × 24 × 23,
13,800, 13,800, 13,800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 20 फैक्टोरियल को हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? 15 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, 15 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। 15 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और 4, 3, 2, 1, तो 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 20 × 19 × 18 × 17 × 16 डिवाइडेड बाई 24, 77,520, 77,520, 77,520। 6P4 बोला है, 6 × 5 × 4 × 3, 360। 6P4, 6 × 5 × 4 × 3, दैट इज 360। क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट? हाँ। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं लिख लेंगे महाभारत। महाभारत समझने के लिए एक साथ कभी कोई नहीं देखता है। महाभारत समझने के लिए इसका अध्याय होता है, अध्याय, एपिसोड। तो यहां पर जो जितना भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4, 5, ठीक है, हम लोग इसको सुंदर से केस वाइज करेंगे, केस वाइज। तो आप हेडिंग दीजिए मंडे, आप हेडिंग दीजिए मंडे। मंडे एक वर्ड है, उसको हमेशा, जब भी कोई वर्ड आएगा उसको हमेशा कैपिटल में लिखने का कोशिश किया करिए, तो आप उसको बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे अपने दिमाग में। कैपिटल लेटर्स में लिखे मंडे। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि क्या इसमें कोई रिपीटेशन है। क्या कोई रिपीटेशन है मंडे वर्ड में? नहीं। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे मंडे, एक वर्ड लिखिए आप। मंडे एक वर्ड लिखा आपने, मंडे वर्ड में, ठीक है, पहला जो केस हम लोग करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम, बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो 6 लेटर है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास 6 जगह है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6P6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम, 6P6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। कुछ बोला नहीं है तो 6 लेटर का 6 ही जगह मानेंगे ना हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे का मतलब मंडे का जो लेटर्स है वो आपस में अरेंज करेंगे, कोई लेटर कहीं भी जा सकता है। जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर देगा, रिपीटेशन इज अलाउड। जैसे केस 2 पकड़ लो, विथ रिपीटेशन बोल दे रहा है, विथ रिपीटेशन बोल दे रहा है, इसका मतलब कोई भी लेटर कितना बार भी आ सकता है। तो मेरे पास 6 जगह है, 6 जगह है, तो पहला जगह में कोई भी 6 लेटर आ सकता है, दूसरा में कोई भी 6, तीसरा में कोई भी 6, फोर्थ प्लेस में कोई भी 6, फिफ्थ में कोई भी 6, सिक्स प्लेस में कोई भी 6, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 6 to the power 6। अगर विथ रिपीटेशन बोल देगा तो 6 to the power 6, 6 to the power 6। विदाउट रिपीटेशन में आंसर होता है NPR, व्हेन द लेटर्स आर अलाउड टू रिपीट आंसर इज N to the power R। विदाउट रिपीटेशन में NPR, विथ रिपीटेशन में N to the power R। ठीक है, केस 3, M इज फिक्स्ड एट द बिगिनिंग। तो 6 लेटर है, M आके यहां बैठ गया, बोला भाई हम तो यहीं रहेंगे, उठा के दिखा, तो M तो फिक्स हो गया। फिक्स प्लेस का परम्यूटेशन 1 होता है, 1P1 तो 1 हुआ ना। अब बचा कितना? 5 जगह बचा और 5 ही लेटर बचा, तो 5P5, दैट इज 5 फैक्टोरियल।
5p5 that is 5 factorial, 5p5 that is 5 फैक्टोरियल. इसका मतलब अगर कोई भी लेटर फिक्स हो जाता है एट ए पर्टिकुलर प्लेस, उसको इग्नोर करके परम्यूटेशन करते हैं, भूल जाओ कि वो था. केस 4, वाई इज एट द एंड, वाई यहां पुट कर दिए 5p5. ठीक है, अब आप दो दो केस लिखेंगे वो एक साथ लिखेंगे, केस 5 और केस 6. केस 5 में क्या बोल रहा है, एम एट द स्टार्ट, वाई एट द एंड. केस 5 ये बोल रहा है, और केस 6 क्या बोल रहा है, एम एंड वाई आर एट एक्सट्रीम्स, एम एंड वाई आर एट एक्सट्रीम्स. केस 5 में क्या बोल रहा है कि भैया अगर 6 जगह है तो एम शुरू में आएगा, वाई एंड में आएगा, बीच का 4 जगह के लिए 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल, बीच का 4 जगह के लिए 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल. हाँ, अब एम और वाई कहाँ है, एक्सट्रीम्स में है. इसका मतलब तुम्हारा M और Y हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस में आना चाहिए. दे हैव नॉट डिफाइंड कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा. केस 5 में स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि M पहले आएगा Y बाद में आएगा, लेकिन जब ऐसे बोल रहा है M एंड Y आर एट एक्सट्रीम्स, तो दे हैव जस्ट फिक्स्ड द पोजीशन एंड द लेटर्स नॉट द ऑर्डर. यहां पर लेटर ऑर्डर सब फिक्स है, यहां पर लेटर और पोजीशन फिक्स किया है लेकिन ऑर्डर फिक्स नहीं किया है. तो एम और वाई भी हो सकता है, वाई और एम भी हो सकता है. एम और वाई हो रहा है तो भी 4 फैक्टोरियल, वाई और एम हो रहा है तो भी 4 फैक्टोरियल. तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 48, 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48, 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48, 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48. क्लियर है? हाँ, केस 5 और 6 का डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? We shall move to case 7. Case 7. M at the start but not end with Y. M at the start but not end with Y. बेटा मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना. बचपन में जब हम लोग के मम्मी पापा कोई चीज के लिए कभी मना करते थे ना, हाँ हम लोग वही काम करते थे. तो यहां पर M से स्टार्ट करने बोला है तो हम स्टार्ट कर दिए. जब आप M से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव गॉट 5 फैक्टोरियल वर्ड्स. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विच आर स्टार्टिंग विद द लेटर M? 5 फैक्टोरियल. बट इन्होंने क्या कहा है, हमको M से स्टार्टिंग तो चाहिए बट Y से एंड ही नहीं चाहिए. तो हमने क्या किया, ऑल द पॉसिबल वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर एम एट द स्टार्टिंग वो निकाल लिया. सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एम एट द बिगिनिंग वाई एट द एंड. देर आर 4 फैक्टोरियल वर्ड्स प्रेजेंट इन एम फैक्टोरियल विच बिगिन विथ एम एंड एंड विथ वाई. सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरा टोटल आ जाएगा, टोटल वर्ड्स 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 120 माइनस 24, 96. 120 माइनस 24, 96. तो इस चैप्टर में जो बोलेगा ना नहीं करने, उसको हम लोग करेंगे और फिर टोटल से माइनस कर देंगे.
120 माइनस 24 इक्वल्स टू 96 इक्वल्स टू 96 अब केस एट और केस नाइन साथ में करेंगे. केस एट हम खुद से करेंगे, केस नाइन हमको आप करके दिखाएंगे. केस एट में है वॉवेल्स आर टुगेदर और केस नाइन में है कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. केस एट में क्या है वॉवेल्स आर टुगेदर और केस नाइन में क्या है कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. तो केस एट में क्या बोल रहा है वॉवेल्स आर टुगेदर. जिन लोगों को भी साथ में रखना है ना, जिन लोगों को भी साथ में रखना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. तो मंडे में वॉवेल्स कौन सा हो गया ओ और ए. जिसको भी साथ में रखना है उसको कहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो मतलब एम एन डी वाई दे आर फ्री टू अरेंज. ये लोग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन ओ कॉमा ए के लिए क्या बोला है ये दो लेटर हमेशा साथ साथ रहेंगे. हम साथ साथ हैं. ठीक है तो ये हो गया. उसके बाद क्या करना है यहां से यहां एक एरो बनाना है. यहां से यहां एक एरो बना के क्या लिखना है हम साथ साथ हैं. एच एस एस एच हम साथ साथ है मतलब हमको एक मानना है. हमको क्या मानना है एक. ठीक है बाकी लेटर बोला ओके. ठीक है तो एम एन डी वाई चार लेटर हुआ. एम एन डी वाई चार लेटर हुआ और साथ साथ का एक तो टोटल कितना हो गया पांच. टोटल कितना हो गया पांच. तो पांच लेटर को अरेंज करने का आंसर क्या आता है फाइव फैक्टोरियल. हाँ फाइव फैक्टोरियल आया लेकिन हमने तो ये कहा था हम साथ साथ हैं. लेकिन ऐसा थोड़ी कहा था हम जैसे हैं वैसे ही साथ है. हम साथ साथ है का मतलब क्या होता है ओ ए ए ओ. ओ ए ए ओ ये हो सकता है हम जैसे हैं वैसे ही साथ रहेंगे मतलब क्या ओ ए मतलब ओ ए ए ओ नहीं. लेकिन यहां पर क्या बोला है सिर्फ ओ ए. तो ओ ए भी हो सकता है ए ओ भी हो सकता है इनटू टू फैक्टोरियल. इसको सर्कल करके लिख सकते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स अमोंग देमसेल्व्स. Arrangement of vowels among themselves. 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 तो five factorial to क्या हो गया two factorial. ठीक है ना clear है. Five क्यों हुआ समझा दिए एकदम प्यार से. Two factorial क्यों हुआ समझा दिए प्यार से. ठीक है एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या है n माइनस एम प्लस वन होल फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है इसका. n मतलब नंबर ऑफ लेटर्स m मतलब नंबर ऑफ लेटर्स टेकन टुगेदर. ठीक है n का मतलब नंबर ऑफ लेटर्स और m का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर. M का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर. अब कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर तो यहां क्या लिखेंगे एम एन डी वाई और यहां क्या लिखेंगे ओ ए. यहां से यह एरो बना के प्लस वन तो आंसर लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल.
थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या मैं? थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं? तो अब कभी भी कोई भी चीज टुगेदर बोलेगा तो आप लोग कर लेंगे। हाँ, इसको मैं हटाऊं, केस एट और नाइन। हाँ, केस टेन, वॉवेल्स आर टुगेदर इन द गिवेन ऑर्डर। वॉवेल्स आर टुगेदर इन द गिवेन ऑर्डर, ठीक है? तो मंडे जो वर्ड है उसमें वॉवेल्स किस ऑर्डर में है? ओ ए, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? एम एन डी वाई। यहाँ क्या लिखेंगे? एम एन डी वाई, ठीक है। ये इसको क्या बोल रहा है सुनो, ध्यान से सुनना। ओ ए एम एन डी वाई को क्या बोल रहा है? हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। क्या बोल रहा है? हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब ये साथ साथ तो है, ये साथ साथ तो है, लेकिन ये जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर विल बी फाइव फैक्टोरियल ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर विल बी फाइव फैक्टोरियल ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर विल बी फाइव फैक्टोरियल ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर विल बी फाइव फैक्टोरियल ओनली। इंटू टू फैक्टोरियल नहीं करेंगे बिकॉज वॉवेल्स आर नॉट अलाउड टू अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स। बिकॉज वॉवेल्स आर नॉट अलाउड टू अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स। क्लियर विद क्वेश्चन नंबर टेन, केस टेन, ठीक है। अब आपको बोलेगा वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। क्या बोलेगा? वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। एकदम घबराना मत, एकदम घबराना मत। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं नेवर टुगेदर का मतलब होता है टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो टोटल का आंसर क्या था? सिक्स फैक्टोरियल। ऑलवेज टुगेदर का आंसर क्या था? खत्म। तो 720 माइनस 120 इंटू टू 480। वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। क्लियर है ये सब चीज? कोई असुविधा है तो बताइए। नेवर टुगेदर मतलब टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। हटाओ मैं इसको। नंबर 12, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ठीक है भैया, छह जगह है, ऑड प्लेस को सर्कल कर लो, ऑड प्लेस को सर्कल कर लो। वॉवेल कितना है तेरे पास? दो। तो पहला जो वॉवेल है, फर्स्ट वॉवेल को तुम कोई भी तीन जगह दे सकता है, सेकंड वॉवेल को तुम कोई भी दो जगह दे सकता है। क्यों? फर्स्ट वॉवेल जहां बैठ गया है एक जगह कम हो गया। अच्छा, तो हमेशा पहले रेस्ट्रिक्शन सॉल्व करेंगे। तो यही मेरा रेस्ट्रिक्शन था, यही मेरा रेस्ट्रिक्शन था। फर्स्ट वॉवेल में कितना? तीन। और सेकेंड वॉवेल में कितना?
दो, ठीक है। अब जगह कितना बच रहा है? चार, जगह चार बचेगा। बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं, जगह तीन बच रहा है। बेटा मेरे पास तीन ऑड प्लेस था, लेकिन वॉवेल क्या था? दो था। रेस्ट्रिक्शन क्या बोल रहा था? रेस्ट्रिक्शन में ये कभी भी नहीं बोला कि ऑड प्लेस में खाली वॉवेल ही रहेगा। रेस्ट्रिक्शन ये नहीं बोला, रेस्ट्रिक्शन ये बोल रहा था वॉवेल खाली ऑड प्लेस में रहेगा। अगर ऑड प्लेस वेकेंट रह रहा है वहां पर कॉन्सोनेंट्स जा सकता है। इसीलिए पहले हम क्या किए, वॉवेल को अरेंज कर दिए। वॉवेल को अरेंज करने के बाद चार जगह बच रहा है और चार ही लेटर बच रहा है। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल। फर्स्ट वॉवेल के लिए कोई भी तीन जगह, सेकेंड वॉवेल के लिए कोई भी दो जगह, और बाकी चार के लिए 4 × 4 फैक्टोरियल। 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यही सेम टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस में भी, ठीक है ना। आगे बढ़े। टेकिंग फोर एट ए टाइम, टेकिंग फोर एट ए टाइम, तो 6P4, छह में से चार ले लो। टेकिंग फोर एट ए टाइम, 6P4, छह में से चार ले लो। टेकिंग फोर एट ए टाइम, 6P4, छह में से चार ले लो। टेकिंग फोर एट ए टाइम सच दैट एम इज ऑलवेज इंक्लूडेड, एम इज ऑलवेज इंक्लूडेड, अतिथि देवो भवो, जो आ गए हैं उनकी इज्जत करो। तो भैया हमारे पास चार जगह था, हमारे पास चार जगह था, एम तो आएगा ही आएगा। अरे जो आएगा ही आएगा उसको पहले अरेंज कर दो, जो आएगा ही आएगा उसको पहले अरेंज कर दो। तो भैया एम कोई भी चार जगह में से एक जगह बैठ सकता है, एम कोई भी चार जगह में से एक जगह बैठ सकता है। अब रिमेनिंग के लिए क्या होगा? जगह कितना बचा? तीन, और लेटर्स कितने हैं? पांच। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4P1 × 5P3। फर्स्ट अरेंज दोज हु आर ऑलवेज इंक्लूडेड, फर्स्ट अरेंज दोज हु आर ऑलवेज इंक्लूडेड, देन अरेंज द रिमेनिंग, देन अरेंज द रिमेनिंग, देन अरेंज द रिमेनिंग देन अरेंज द रिमेनिंग। ठीक है, केस 15, टेकिंग फोर एट ए टाइम सच दैट एम इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, एम इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तुच्छ प्राणी है,
बिरादरी से निकाल के बाहर फेंको, तो छह में से एक चला गया, रेस्ट इन पीस। बचा कितना, जगह कितना, चार, तो 5P4, 5P4, 5P4। ठीक है, 5P4 का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 मतलब कितना, 120। ठीक है, नेक्स्ट केस, रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब होता है कि मंडे जो वर्ड है इसके अलावा और कितना पॉसिबल वर्ड्स बन सकता है। तो जब आप 6P6 करते हो, 720 आपका जो आंसर आता है, इसमें मंडे इज वन ऑफ द ऑप्शन, मंडे इज वन ऑफ द वर्ड्स, बट मेरे को क्या चाहिए, रीअरेंजमेंट चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, -1। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है टोटल अरेंजमेंट -1, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है टोटल अरेंजमेंट -1। टोटल अरेंजमेंट -1, ठीक है, देख लो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जितना भी केसेस हमने किया है एक बार सारा गो थ्रू कर लीजिए आप। बुक में भी देखिए सेम सेम दिया हुआ है। प्लीज गो थ्रू ऑल द केसेस। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फटाफट जब भी आपको इच्छा करे ये 16 केस आप जरूर से अच्छे से पढ़ाई करें, बिकॉज ये 16 केसेस में मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछते हैं हमारे। ठीक है, अभी जो हमने वर्ड लिया था मंडे, इसमें लेटर्स वेयर नॉट रिपीटिंग। अब हम ऐसा एक वर्ड लेंगे जिसमें लेटर्स आर रिपीटिंग। ठीक है, मैं एक वर्ड ले रहा हूं, गुब्बारा, बलून। बलून एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग के पास 7 लेटर्स है, ओ 2 बार आ रहा है और एल भी 2 बार आ रहा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहला वाला एल कौन सा है, दूसरा वाला एल कौन सा है, या पहला वाला ओ कौन सा है, दूसरा वाला ओ कौन सा है। इसीलिए जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द अलाइक लेटर्स, अलाइक मतलब सेम लेटर्स इन डिफरेंट पोजिशंस, वी डिवाइड
we divide with the factorial of the repeated letters. तो इसका केस वन हो जाएगा अरेंजमेंट. तो आंसर क्या होगा, 7 factorial by 2 factorial into 2 factorial. क्यों? क्योंकि repetitions are divided. ये जो 2 factorial है ये L के लिए है, और ये वाला जो 2 factorial है ये O के लिए है. ये जो 2 factorial है ये दो L के लिए है, और ये जो 2 factorial है ये दो O के लिए है. बोलिए, पहला केस क्लियर हुआ आपको? हाँ. दूसरा केस, बिगिन विथ ए. तो ए से स्टार्टिंग हो रहा है, जगह कितना बचा? 6. तो 6 factorial by 2 factorial into 2 factorial. ये किसके लिए है? L के लिए. और ये किसके लिए है? O के लिए. तो आप देख रहे होंगे पिछले वाले की तरह ही है, बस खाली रिपीटेशंस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड. लेकिन केस टू में और केस थ्री में बहुत फर्क है. केस थ्री में लिखिए बिगिन विथ एल. अब बेटा मेरा बात ध्यान से सुनना, हम 7 जगह बनाए, एल से शुरुआत किए, तो मेरे पास जगह कितना बच रहा है? 6. और लेटर कितना बचा? 6. हम 6 फैक्टोरियल तो लिखेंगे, लेकिन जब बाई करेंगे खाली एक बार ही 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 2 ओ का एल का रिपीटेशन हट गया ना. इस अरेंजमेंट में एल कितना है? 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी बिगिनिंग में यूज हो चुका है. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ. तो डिवाइड कब करेंगे? अगर उस अरेंजमेंट में रिपीटेशन है तो डिवाइड करेंगे. केस 4, बिगिन विथ एल एंड विथ ओ. तो एल से शुरू किया, ओ में खत्म किया, बस 5 factorial, क्योंकि इस 5 factorial में देयर आर नो रिपीटेशन. इस 5 factorial में देयर आर नो रिपीटेशन. केस 5, वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स आर टुगेदर. तो बलून में वॉवेल्स क्या था? ए ओ ओ, ये बी एल एल एन, हम साथ साथ हैं. तो 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial by 2 factorial. फाइव फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल. बोलो क्लियर है? चलिए खुद से कर दे. केस 6, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. केस सिक्स कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर.
BLLN AOO plus 1, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बोलिए, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कोई शंका? केस 7, टू ओज आर टुगेदर, टू ओज आर टुगेदर, टू ओज एंड टू एल्स आर टुगेदर, क्या फर्क है दोनों में? इसमें क्या बोल रहा है? ओ कॉमा ओ क्लियर? इसमें क्या बोल रहा है? ओ कॉमा ओ एल कॉमा एल, इसको भी प्लस वन, इसको भी प्लस वन, दो ओ साथ में रहेगा एंड दो एल साथ में रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन में ये फर्क है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसमें हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। डिफरेंस समझना किस में क्या अप्लाई करे, वेरी इंपॉर्टेंट। टू ओज आर टुगेदर एंड टू ओज एंड टू एल्स आर टुगेदर, इसका मतलब दो ओ को एक मानना है, दो एल को एक मानना है। ये दोनों क्लियर हो गया? हां। केस 9 में क्या बोल रहा है? ऑल द O's and L's are together. इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ कि सारे O और L एक साथ होंगे। और लास्ट का मतलब क्या था? दो O एक साथ और दो L एक साथ। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सारे O और L एक साथ होंगे। तो ध्यान देने की चीज इस पे, क्या ध्यान देने का है? केस 8 में लोलो नहीं हो सकता, क्योंकि केस 8 में क्या बोला है? दोनों ओ एक साथ और दोनों एल एक साथ। लेकिन केस 9 में लोलो कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि ऑल द ओज एंड एल आर टुगेदर, तो लोलो कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। बट केस 8 में वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ओ एक साथ और दोनों एल एक साथ। क्लियर? केस 9 क्लियर है? पक्का? हाँ। तो जनरली इसमें आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4,
डन, 5 डन, 6 डन, 7 डन, 8 डन, 9 डन, 10 डन, 11 भी डन, 12 डन, 13 डन, 14 हो गया, 15 देखो. रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर टू बी केप्ट अनटच्ड. इसको पहला वाला क्वेश्चन का केस 17 कर दो. रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर टू बी केप्ट अनटच्ड, मतलब ओरिजिनल वर्ड में जो वॉवल का प्लेस है उसमें वॉवल ही आएगा और जो कॉन्सोनेंट का प्लेस है उसमें कॉन्सोनेंट ही आएगा. इसका मतलब वॉवल वॉवल आपसरी में इंटरचेंज करेगा और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आपसरी में इंटरचेंज करेगा. तो इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या हो गया, नंबर ऑफ वॉवल्स का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का फैक्टोरियल, 2 factorial into 4 factorial. नंबर ऑफ वॉवल्स का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वॉवल्स का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का फैक्टोरियल. क्लियर? 16 भी हो गया. सेवेंटीन भी हो गया. 18 करवा दिए, 19 करवा दिए और 20 भी करवा दिए. तो सिंगल वर्ड का क्या हो सकता है वो क्लियर हो गया. बलून में विदाउट रेस्ट्रिक्शन 2L, वही 2O वाला चीज है, 2L एंड 2O, ऑल द O's एंड L, वॉवेल्स आर टुगेदर. ये वाला कर लो, केस 10 बना लो. बी एन एन आर टुगेदर, बी एन एन आर टुगेदर. तो यहां लिखेगा बी एन, यहां लिखेगा बी एन और यहां लिखेगा प्लस 1. तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सिक्स फैक्टोरियल में 2 एल है, 2 ओ है और इनटू बी एन का अरेंजमेंट. इसको केस 11 बना लो, नेवर टुगेदर बोला है तो टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. सो केस 11 बना देना. बी एन एन आर नेवर टुगेदर को केस 11 बना देना, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर. तो टोटल का आंसर कितना आया था, 1260. और इसका तो लास्ट केस में हम लोग किए 360, तो 900. ये अलग करो खुद से. केस 12, बी एन ओ आर टुगेदर, मतलब बी एन ओ ओ यहां पर ऑल प्लस 1, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. क्लियर है? हाँ पक्का बोलिए.
तो मैं आपको आज कंफ्यूज नहीं करूंगा, डिफरेंट अगर सम्स करा के आप इसी को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके आएगा। सिंगल वर्ड का 17 केस बनाया हूं मैं और रिपीटेड वर्ड्स का 12 केस है, ठीक है? इसको आप अच्छे से करके आइएगा।